एक जंगल में एक इच्छाधारी नागिन रहती थी और उसी जंगल में एक हवेली भी थी जिसमें एक भूतिया परिवार रहता था। एक दिन इच्छाधारी नागिन शेर का रूप लेकर जंगल में घूमने निकल पड़ती है और सोचती है, आज तो मैं जानवरों को खूब डराऊंगी और खूब मजे लूंगी और शेर के साथ उसकी गर्लफ्रेंड बनकर घूमूंगी। मजे आ जाएंगे। पर तभी उसे जंगल में एक शिकारी देख लेता है और शेर को एक तीर मार देता है। शेर वहीं गिर जाता है। जैसे ही शिकारी वहां जाकर देखता है तो उसे वहां से एक पक्षी उड़ता हुआ दिखाई देता है और शेर वहां नहीं होता। पक्षी उड़ते हुए, आह बड़ा दर्द हो रहा है यार, बड़ी मुश्किल से पक्षी बनकर उड़ी हूँ। वहां से नहीं तो आज तो मैं मारी ही जाती। अब नहीं उड़ा जाता मुझसे, मैं दर्द से मरी जा रही हूँ। इच्छाधारी नागिन एक सड़क के किनारे एक लड़की का रूप लेकर बैठ जाती है। पूरा दिन बीत चुका था पर अभी तक उसकी मदद करने कोई नहीं आया था। अब रात काफी हो चुकी थी। तभी वहां से एक आदमी जा रहा था। जब उस आदमी ने इस इच्छाधारी नागिन को घायल देखा तो वो उसके पास चला गया उसकी मदद करने। दोस्त बचा लो मुझे, मैं मरने वाली हूँ। चलो मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ, वहीं तुम्हारी मरहम पट्टी भी कर दूंगा। वो उसे उठाकर अपने घर ले आता है और उसकी मलहम पट्टी कर देता है। थैंक्स दोस्त, आपने मेरी जान बचाई। अब मुझे जाना होगा, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और ठीक है, जाओ जी जाओ, थैंक्स की जरूरत नहीं। पूर्णिमा की रात थी और आज के दिन भूत अपने कुल देवता को किसी आदमी की बलि चढ़ाते थे। रात के 12 बज चुके थे पर अभी तक भूतों के पास कोई आदमी नहीं था जिसकी वो बलि चढ़ा सके। तभी उन्हें वही आदमी वीरान सड़क से गुजरता हुआ दिखाई देता है। वो भूत उस आदमी के सामने आ खड़े होते हैं और उसकी बलि चढ़ाने के लिए पकड़ लेते हैं। ये सब इच्छाधारी नागिन देख रही होती है पर वो कुछ कर नहीं पाती क्योंकि भूत उससे ज्यादा खतरनाक थे। भूतों ने आदमी को अपने कुल देवता के सामने लिटा दिया और जंजीर से बांध दिया। भूतों ने कुल्हाड़ी उठाई और उसकी गर्दन पर रख दी। उसने गर्दन काटने के लिए कुल्हाड़ी को ऊपर की ओर उठाया। तभी वहां पर उन भूतों के कुल देवता आ गए और बोले, रुको भूतो, मत करो ऐसा, आज अच्छा दिन नहीं है, कल इसकी बलि चढ़ा देंगे, आज इसे जाने दो। भूत अपने कुल देवता को अपने सामने देखकर खुश हो जाते हैं और अपने कुल देव की बात की आज्ञा का पालन करते हुए उस आदमी को छोड़ देते हैं। आदमी वहां से बड़ी तेजी से भाग जाता है और कुल देवता भी वहां से बाहर निकलकर जंगल में पेड़ के पीछे अपना रूप बदल लेता है और वो नागिन का रूप ले लेता है। थोड़ी देर बाद भूतों का कुल देवता उनके सामने प्रकट हो जाता है और बोलता है, क्या हुआ है आज तुम भूतों को, आज मुझे बलि क्यों नहीं चढ़ाई? भूत समझ जाते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वो इच्छाधारी नागिन थी जो जंगल में रहती है। भूत बोलते हैं, स्वामी हम आपको आज रात ही बलि चढ़ाएंगे, एक इच्छाधारी नागिन और एक आदमी की। कुल देवता बहुत खुश हो जाता है। भूत उस आदमी को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं। नागिन छोटी सी चूहिया बनकर उसके घर में रह रही थी क्योंकि वो जानती थी कि ये भूत इस आदमी को जरूर मारेंगे। अब वो उसके घर आ चुके थे। ये देखो इसे, यहाँ गला फाड़ के सो रहा है, उठा लो इसे। और तभी नागिन इस बार हनुमान जी का रूप ले लेती है। जब भूत हनुमान जी को देखते हैं तो उनकी
हालत खराब हो जाती है और वो भूत वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। भूत जब अपनी हवेली में पहुँच जाते हैं तो वो सोचते हैं, अगर वो हनुमान थे तो हम जलकर भस्म क्यों नहीं हुए। इसका मतलब वो एक इच्छाधारी नागिन थी, उसने फिर से हमारा काटा, अब हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं।